सबसे पहला क्वेश्चन है, बड़ा मार्मिक क्वेश्चन है। जब शिव बाबा गुलजार दादी के तन में ही आते हैं तो बाबा उनको बीमारी को ठीक क्यों नहीं करते, जबकि वो सुप्रीम सर्जन है। ओम शांति। आपको पता होना चाहिए, मैंने शुरू से ही कहा शिव बाबा कुछ नहीं देता है, कुछ नहीं करता है, सिर्फ एक ही काम है, उसका नाम है भाग्य विधाता। भाग्य बनाने की विधि बताता है ना। अगर वो किसी को कुछ करे, मदद करे, तो वो कर्म बंधनों में आएगा, हमारे आपके जैसे उनको भी जनन मरण में आना पड़ेगा। तो बाबा किसी को कुछ दे नहीं, उनके पास कुछ है भी नहीं, सिर्फ विधि बताता है, करना आपको है। बच्चे रोशनी शिव बाबा को ज्ञान का सागर का, आज भी बाबा ने कहा ज्ञान सूर्य है ना। तो देखो पानी नीचे है, ये नीचे का पानी ऊपर कौन लेके गया, ऊपर से बरस रहा है, ऊपर कौन लेके गया है ना, सूर्य अपने आप लेके गया, उसने गर्माइश किया, गर्म हो गया, बाप बन के ऊपर गया है ना। सूर्य अपने आप लेके नहीं जाता है, अपने आप बरस नहीं करता। तो ऐसे शिव बाबा भी ज्ञान का प्रकाश है, ज्ञान देता है, करना आपको है ना। वो कुछ करे तभी बाबा ने ब्रह्मा बाबा के लिए भी कहा था, मैं आपके शरीर का उपयोग लेता हूँ, भाड़ा दूंगा, लेकिन विकर्म आपको विनाश करना, आपका कर्म भोग है। बाबा को खासियत की, ये आपने किए हुए कर्मों का फल है, वो आपको करना है, मैं भाड़ा दूंगा। जैसे दादी प्रकाशमणि को भी बाबा ने कहा, बच्ची दिन रात सेवा करते हो, सेवा का ताज मिलेगा, लेकिन जो विकर्म किया है, दिन में समय नहीं, रात को भी जग कर तपस्या करो। राजा है, बीमार भी हो सकता है, राजा है, गद्दी है, तख्त है, सब कुछ है, लेकिन उसके किए हुए कर्म उसको भोगना पड़ता है। ताज पहना हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके कर्म आपको भोगना है, मिटाना है। योग बल से मिटाओ या योग बल से मिटाओ या भोग बल से मिटाओ, वो आपका है। ऐसा नहीं मैं राजा बन गया तो भगवान मुझे मदद करेगा, चाहे राजा हो चाहे राम हो, कोई भी हो, ये हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो कर्म किया हुआ है तो तब का तन से, मन से, धन से, तो तन भगवान की सेवा में लगाओ, मन लगाओ, धन लगाओ, कितना लगाना चाहिए उसकी भी व्यवस्था बताएं। ऐसे नहीं थोड़ा सा किया वो भी कह, सभी कहते हैं मैं रोज मुरली सुनता, रोज योग करते हो लेकिन सेवा नहीं किया, रोज सेवा करते हो, दिन रात सेवा करते हो, योग नहीं करते हो, तो क्या होगा, तन बहुत अच्छा है लेकिन बुद्धि है ही नहीं, बुद्धि में याद ही नहीं रहता कुछ भी, क्योंकि बुद्धि स्वच्छ नहीं होती है। योग से बुद्धि स्वच्छ होती है। कर्म दिन रात 24 घंटा नंबर वन करते हो, हर कदम कदम में गुस्सा करते हो, हर कदम कदम में गलत कर्म करते हो, गुस्सा भी करते हो, क्यों, संस्कार मिटाया नहीं। तो योग बल से विकर्म विनाश होते, बुद्धि स्वच्छ होती है, बुद्धि स्वच्छ है तो ज्ञान स्वच्छ बुद्धि में ठहरता है। अगर बुद्धि स्वच्छ नहीं, कितना भी ज्ञान सुना याद ही नहीं रहता, क्यों, सेवा करते हो, मुरली सुनते हो, लेकिन योग वो चाहिए। इसलिए आपको योग बताया था, याद, योग और तपस्या। याद तो योग तो विश्वामित्र ने भी किया था, तो भी क्रोध को जीत नहीं सका। तपस्या शिव बाबा करके जो विधि बताता, बच्चे अशरीरी अव्यक्त विदेही देही अभिमानी आत्मिक स्वरूप में पहले स्थित होना चाहिए। जब तक आप आत्मिक स्वरूप अर्थात जब आप योग में बैठे हो, मन और बुद्धि के अंदर देह देहधारी का कोई भी विचार नहीं आ रहा है, तो क्या आ रहा है, सिर्फ आत्मा का ही चिंतन। मन पूछता है मैं कौन, आत्मा का ही चिंतन, बुद्धि भी आत्मा का ही अनुभव करती है, फीलिंग करती है। तो दूसरे कोई इसके अंदर 5-10 मिनट मन और बुद्धि के अंदर दूसरे कोई नहीं आ रहा है, तो मन बुद्धि एक हो गया, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो गए, उसको कहते हैं एम्बॉडीमेंट, स्वरूप, स्व का रूप। अभी आपको याद है मेहमान शरीर
हम कहते मैं आत्मिक स्वरूप में हूँ, तो नहीं आपको शरीर की याद है, शरीर हूँ मैं। तो आपने अभी तक हमारे बुद्धि में ये स्मृति में है मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, मैं माता हूँ, ये याद है? नहीं, मैं ये नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मिक स्वरूप। तो आत्मिक स्मृति है तो उसको देह देहधारी सेवा कुछ याद नहीं आता, कोई विचार नहीं आता। तो आत्मा अपने गुणों का ही, मैं कौन, पवित्र स्वरूप हूँ, मैं शांत हूँ, कोई इधर उधर के विचार नहीं, मैं सुख स्वरूप हूँ। आत्मा अपने स्वरूप से ही उसी चिंतन में स्थित होता है, खाली नहीं रहेगा मन, खाली नहीं होगा बुद्धि, खाली नहीं होगी मन के अंदर, विचार आएंगे। आप कहेंगे निल होके मैं खाली होके बैठता हूं, कभी भी एक सेकंड भी मन खाली नहीं रहेगा, बुद्धि खाली नहीं रहेगी। अगर खाली रहा तो कोई ना कोई विचार आएगा, इसलिए योग में बैठते ही काम दिया, मन बुद्धि को काम दे दो। ये मन और बुद्धि दोनों जोड़ना चाहिए, इसलिए भारत एक ही देश है, कभी भी एक हाथ से नमस्ते नहीं करता, दो हाथ जोड़ता। तो आत्मा को भी दो हाथ है, एक मन और एक बुद्धि, इन दोनों को पहले एक करना, इसको कहते हैं आत्मिक स्वरूप में आप स्थित हो गए। आप देख लो 5 मिनट 10 मिनट तक आत्मा का चिंतन करो, जैसे आपने देखा प्लेन ऊपर उड़ता है तो एकदम दौड़ जाता नहीं है, पहले उसको दौड़ के जाना पड़ता है। तो यहां भी 5 मिनट तक मन बुद्धि में अच्छे आत्मिक विचार करो, आप मन बुद्धि को स्वच्छ करो उड़ने से पहले। अगर ऊपर जाना चाहते हो, कौन जाना चाहता है, शरीर जाएगा, मन और बुद्धि, तो ये दोनों मन बुद्धि स्वच्छ है तो ऊपर परम धाम तक, स्वच्छ धाम, पवित्र धाम, परम धाम तक जाएगा, उसको कोई खींचेगा नहीं, इधर उधर के कोई विचार नहीं आएंगे। तो पहले जितना इसको स्वच्छ करते हो उतना आराम से परम धाम में 1, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बाबा के 8 शक्ति दिया, कम से कम एक एक मिनट भी एक एक शक्ति को चिंतन करो, 8, 10, 15, 20, 25 मिनट तक ऊपर रहते हो तो पवित्र धाम है। जैसे एसी में बैठो ठंडा लगेगा, कितना मिनट बैठो, 5 मिनट बैठो, 1 मिनट बैठो, उतना ठंडा हो जाएगा, उतनी बुद्धि मन बुद्धि संस्कार स्वच्छ होगा। आत्मा के अंदर जो शक्ति भरती है वो यहाँ नहीं भरती है, वो वहां। जितना आप मन बुद्धि परम धाम में पावर हाउस से कनेक्ट करते हो उतनी शक्ति भरती है, उतना विकर्म विनाश होते, उतने बुरे स्वप्न आना बंद होता है। तब कहेंगे जितने दिन आप देखो आज एक स्वप्न आ रहा है, कम से कम मिनिमम 1 महीना का, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक जो कहता है मेरे अंदर एक भी 5 विकारों के स्वप्न नहीं आया, उसका नाम है फरिश्ता। ऐसे नहीं किसी को फरिश्ता बनाओ, ऐसे नहीं कोई कर्मांत बन गया, ये बोलने से फरिश्ता समझो, समझने से फरिश्ता नहीं बनते, बनना पड़ता है, अब उसकी तपस्या चाहिए, तब वो आत्मा सत्युग में जाएगी। अगर 5 विकारों का अंश भी रह गया तो सत्युग में जा सकते हो, तो सोचो कितने करोड़ आत्माएं हैं और कितनी आत्माएं सत्युग में जाती है, कितने राजा बनते हैं, 8 ही। तब कहा कोटों में कोई, कोई में भी कोई, लेकिन उसके कोई कठिन तपस्या नहीं कहा, आराम संसार में रहो, सवेरे 15-20 मिनट, शाम को 15-20 आधा घंटा तपस्या करो, आत्मा समझ के शिव बाबा को याद करो। तो ये नहीं किया तो विकर्म विनाश नहीं होते हैं। शिव बाबा रथ हो, शिव बाबा के साथ भी बैठो, तब कल कहा हीरे के साथ एक पत्थर रखो तो हीरा बन जाएगा, 1 साल या 10 साल रखो, आप शिव बाबा के साथ, बाबा आता है बाबा के साथ बाजू में बैठो तो अपने आप बन जाएंगे बाजू में बैठने से, नहीं। कभी कभी हमारी इच्छा होती है नजदीक जाके दृष्टि ले लो, सिर पर हाथ रखो, दृष्टि से होता है तो भगवान सभी को तमोप्रत सत्व प्रदान कर देता था। बच्चे ये सारी भावनाएं, कुछ नहीं होने वाला है, आपने पाप भी सिर्फ दृष्टि से नहीं किया, बोल से, हाथ से, कर्मों से किया हुआ है, वो भी उसी प्रकार से मिटाना पड़ेगा। सिर्फ दृष्टि दे दो, दर्शन करो, तो ये भक्ति भावना ऐसे, इसलिए बाबा ने कहा कि आप बाबा सर्जन हो, बताएगा दवाई लेनी आपको।
समझ में आया? ऐसे नहीं समझना कोई भी किसी के सबके लिए। ब्रह्मा बाबा को भी अंत तक खांसी थी। बाबा कहते थे बच्ची ये तुम्हारे कर्मों का फल है, मैं नहीं कुछ करूंगा, तुमको मिटाना है।